कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि भिदुड़ी के बहाने बीजेपी ध्यान भटका रही है, जातिगत जनगणना से बीजेपी ध्यान भटका रही है, बीजेपी की नीति ध्यान भटकाने की है। राहुल गांधी के इस बयान के क्या मायने हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। धीरे धीरे ही सही मगर मौके पर चौका मारने और प्रतीकवाद की लड़ाई का इस्तेमाल करना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी सीख गए हैं। राहुल गांधी अब बीजेपी को खुलकर चैलेंज भी कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी बताकर ओबीसी वोटर्स को लामबंद करने में जुटी है, लेकिन महिला आरक्षण के बहाने राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना की मांग कर गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है और अपना हाथ मजबूत कर लिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की नीति ध्यान भटकाने की है। कर्नाटक चुनाव में भी बीजेपी ने यही किया था। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने बयान दिया कि एक देश एक चुनाव भटकाने वाली पॉलिसी है, बीजेपी अब मुकाबला नहीं कर सकती है। वो कहते हैं कि आइए एक साथ आए और एक तरह से चुनाव करवाए, आइए भारत का नाम बदल देते हैं, लेकिन ये सब ध्यान भटकाने वाला है। भिदुड़ी और फिर अचानक ये निशिकांत दुबे, ये सब बीजेपी जाति जनगणना के विचार से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। द लेसन वॉज दैट द बीजेपी विन्स इलेक्शंस बाय डिस्ट्रैक्टिंग एंड नॉट अलाउइंग अस टू कंस्ट्रक्ट आवर नैरेटिव। एंड सो व्हाट वी डिड इन कर्नाटका, we fought the election in a way where the BJP could not define the narrative. What you're seeing today, you know, this gentleman, Mr. Bhiduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey, this is all the BJP trying to distract. जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी हमेशा टाल मटोल की सियासत करती रही है। हालांकि राहुल गांधी के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी जातीय जनगणना को लेकर कदम नहीं उठाए। लटकाने भटकाने का काम कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, लटकाने भटकाने और अटकाने की परंपरा कांग्रेस पार्टी की है। महिला बिल हो या ट्रिपल तलाक, जीएसटी हो या धारा 370, सबको लटकाने फंसाने का काम और देश को गुमराह करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज भी जब महिलाओं को उनका अधिकार देने की बात आई है तो कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। बुलंद होती आवाज के साथ जाति जनगणना की मांग 2024 में बड़ा मुद्दा बन सकती है। जातिगत जनगणना और दलित जातियों के कल्याण की मांग को कांग्रेस का खुले दिल से समर्थन, चाहे वो ईमानदार हो या न हो, लेकिन मोदी के विजय रथ से मुकाबले के लिए कांग्रेस इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर ही सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।